Good morning, students. So today we will start our new chapter, that is chapter number 7. So open page number 51, chapter 7, food safety. In this chapter we will study about the food safety. कैसे हम food को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको safe कर सकते हैं. Okay, let's start reading. Warm up activity. Collect labels from jars containing pickles, ketchup, etc. Read the name of the preservatives written on them. Paste these labels in the space given below. हमको यहाँ पे क्या कलेक्ट करना है, जो हम पिकल्स लाते हैं मार्केट से, पिकल्स और केचप के जार लाते हैं, उस पर एक लेबल्स स्टिक होते हैं जिसपे प्रिजर्वेटिव्स लिखे रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है कि ये कब मैन्युफैक्चर हुई है और कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं. उस जो अपन का लेबल है उसको अपन को वहाँ से पिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है. ओके, डू योर सेल्फ एट होम. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. हियर फ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन स्कूल एंड टॉकिंग अबाउट देयर लंच. Wow, I have brought rice and rajma. Hooray, I have brought puri with chana. फिर क्या होता है, पूजा अपना लंच बॉक्स ओपन करती है. ओ पूजा, उसका फ्रेंड क्या बोलता है, ओ पूजा आई थिंक योर राजमा इज स्पॉइल्ड. मुझे लग रहा है तुम्हारे राजमा स्पॉइल्ड हो गए, मीन्स ख़राब हो गए. इट स्मेल्स बैड, यू शुड नॉट ईट इट, तुम्हें वो नहीं खाने चाहिए. यू मे फॉल इल इफ़ यू ईट स्पॉइल्ड राजमा, तुम बीमार हो सकती हो अगर तुम ये स्पॉइल्ड राजमा खाओगे, ख़राब राजमा. लेट्स इन्जॉय पूरी विद चना, उसका फ्रेंड बोलता है हम पूरी चने के साथ इन्जॉय करेंगे. कम टू द नेक्स्ट पेज. पूजा वॉज सरप्राइज एंड लिटिल अपसेट टू स्मेल द स्पॉइल्ड राजमा. हर फ्रेंड्स आस्क हर एनेक्शियसली हाउ डज योर फूड गेट स्पॉइल्ड. देन पूजा रिप्लाइड दैट हर मदर माइट फॉरगेट टू कीप राजमा इन रेफ्रिजरेटर. पूजा सरप्राइज भी हुई अपसेट भी हुई कि उसके राजमा कैसे ख़राब हो गए. उसके फ्रेंड्स ने उससे तुरंत पूछा ये कैसे ख़राब हो गए, कैसे स्पॉइल्ड हो गया तुम्हारा फूड. पूजा ने रिप्लाई दिया कि शायद मेरी मदर फूड को रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गई थी. लेट अस सी व्हाट आर द रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. अब हम क्या पढ़ेंगे, रीजंस कि हमारा फूड कैसे स्पॉइल हो जाता है, कैसे ख़राब हो जाता है, उसमें से क्यों स्मेल आती है. फूड इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलप. फूड सबकी रिक्वायरमेंट होती है लिविंग थिंग्स की ग्रो होने के लिए और डेवलप होने के लिए. फार्मर्स grow crops and produce food for us, but all food begin to get rotten as soon as they are harvested. You would have noticed that cooked dal or vegetable, if not kept in fridge, begins to smell bad after some hours and has to be thrown away. हमने notice किया होगा अपने घर में कि जैसे हमारे घर में दाल चावल बनते हैं, अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक बाहर रखे रहेंगे, फ्रीज में नहीं रखेंगे, तो वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें से स्मेल आती है कुछ घंटों बाद और हमें उसको फेंकना पड़ता है. फ्रूट्स इफ़ लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर अ फ्यू डेज रॉट कर्न बिकम सोर. अगर हम कुछ दिनों तक फूड को बाहर रख देंगे तो वो रॉट हो जाएगा, मींस ख़राब हो जाएगा. कर्न दही कैसी हो जाएगी, खट्टी. मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे. नाउ रीजंस फॉर फूड स्पॉइलेज, थ्री रीजन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, एंजाइम्स की वजह से और इंसेक्ट वॉर्म्स एंड रैट. ओके, माइक्रो, व्हाई डज फूड गेट स्पॉइल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहले हम रीजन पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला. व्हेन वी कीप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द ओपन फॉर अ डे और टू वी फाइंड ग्रीन और ब्लैक पैचेस ऑन द ब्रेड. अगर हम स्लाइस, ब्रेड की स्लाइस होती है उसको ओपन रख देंगे एक या दो दिन के लिए, उस पर क्या आ जाएगा, ग्रीन और ब्लैक पैचेस आ जाएंगे ब्रेड पे. वी ऑल्सो फाइंड अ फोल स्मेल कमिंग फ्रॉम इट, खट्टी सी स्मेल आएगी उसके अंदर से.
The slice of bread has become spoiled due to the growth of fungi. Fungi उस पर आ जाता है. Food generally gets spoiled due to the action of tiny organism like bacteria and fungi. Tiny organism होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. उसकी यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है. They are present in the air. किस में होते हैं? वो एयर में होते हैं और तुरंत कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड टेंड टू ग्रो फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्म. दे मल्टीप्लाई एंड स्पॉयल द फूड. वो बढ़ते चले जाते हैं और फूड को स्पॉयल कर देते हैं. रिलीजिंग सब्सटेंस. और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. अगर हम उस फूड को खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. और पेशेंट किससे सफ़र करेगा? स्टमक एट मीन्स पेट दर्द हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, लूज मोशन टाइप का, और फीवर आ सकता है.